छोड़कर मत देख यार। कौन है? क्या हुआ? क्या चाहिए बेटा? मेरे पिताजी नहीं मिल रहे हैं। वो कहीं गए होंगे, आ जाएंगे बेटा। कल शाम से वो घर पर नहीं आए मामा। घबरा मत, तेरे पिताजी कहीं भी होंगे घर पर आ जाएंगे। जा, घर पर जा। बोट भी नहीं दिख रही है। अरे कहीं दूर निकल गए होंगे, आ जाएंगे। मुझे कॉलेज जाना है। चाबी रख कर जा, तेरे पिताजी आएंगे तो मैं उन्हें चाबी दे दूंगा। मुझे माफ कर देना, मैंने अपने पिता को खो दिया, मुझे अफसोस है। आप जानती हैं पापा मुझे बहुत चाहते थे, मैं भी उन्हें बहुत चाहता हूं। बाकी लड़कों की तरह ही मेरे पिता भी हीरो थे। अब मैंने अपने पिता को खो दिया है, खोने की वजह मैं ही हूं। मैंने खुद को खो दिया और मैं ही ढूंढ रहा हूं। मेरे पिता कौन है और मैं कौन हूं? पापा पापा मुझे छोड़कर मत जाओ। पापा रुको, पापा प्लीज। गाड़ी स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रुको, जीप को रोको। पापा मत जाओ, पापा पापा अनु पापा, आपने कहा था ना आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। पापा बॉर्डर पर दुश्मनों से लड़ने जा रहे हैं, तभी तुम लोग सुरक्षित रहोगे ना? आप यही रहो, दूसरे लोग करेंगे। पापा अगर बॉर्डर पर रहेंगे तभी तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी होंगी ना? वो कैसे? पापा पर भरोसा है ना? तो फिर जाओ, जैसे माँ कहती है वैसे करना, मन लगा के पढ़ना। पापा जल्दी आ जाएंगे। ओके, बाय बाय पापा।
अनबु अनबु पापा जल्दी आ जाएंगे, चलो बेटा। जाओ जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ। अनबु टाइम हो गया, स्कूल के लिए निकलो। पापा बेंच पर खड़ा कर देंगे, जल्दी आओ। आ रही हूँ। टीचर मम्मी आ रही हो या मैं जाऊँ? आ रही हूँ बेटा, चिल्लाओ मत। चलो बैठ जाओ। ध्यान से। पढ़ाई पूरी करने के बाद बिजनेस करने का सोच रहा हूँ। नहीं बेटा, मेरा मतलब है सबसे अच्छा काम होता है टीचर का, और 10 लोगों को पढ़ाने में जो खुशी मिलती है वो किसी और में नहीं मिलती। अगर तुम भी टीचर बनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है माँ। ज्योति, आज का समाचार पढ़ो। प्यारे बच्चों, उभरते हुए भारत को और अच्छा बनाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी। हमारे शिक्षक हमें पढ़ाकर जो सेवा करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश के बच्चे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आने वाले 10 साल में हमारा देश एक शक्तिशाली देश बन जाएगा, ये बात पक्की है। और इसे संभव करने के लिए सभी विद्यार्थियों को वादा करना होगा। वीरा स्वामी डोलाली, आसाम से। हमारे जिले के लेफ्टिनेंट वीरा स्वामी जी के बदौलत हमारे गांव को एक पहचान मिली है, और उनकी धर्म पत्नी शांता टीचर अपने स्कूल में काम करती है, और उनका लड़का अपने ही स्कूल में पढ़ता है, इसलिए हमारे स्कूल का मान बढ़ गया है। वो क्या कह रहे हैं माँ? हम लोगों को इनका सम्मान करना चाहिए। सब अपने अपने क्लास में जा सकते हैं। फादर, 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 है? मुझे बहुत दिनों से एक डाउट है। व्हाट इज योर डाउट माय सन? आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी फादर? ऐसा मत बोलो। मास बोलो तो। ए, मुझे बहुत गुस्सा आता है। अरे अपना चेहरा देख। जीसस, इस पापी को माफ कर देना जीसस। बी अम्बुलेगन, 1172 आउट ऑफ 1200, फर्स्ट रैंक। 1200 लाने की कोशिश करो, कांग्रेस। थैंक्स मैम। वेलकम, सबको बांट दो। आर सुंदरी, हमेशा की तरह हर सब्जेक्ट में फेल, लास्ट रैंक। साइलेंस। साइलेंस। शांत हो जाओ। सुंदरी, तुम हमेशा सब सब्जेक्ट में फेल कैसे हो जाती हो? क्या तुम्हें पढ़ाई करना अच्छा नहीं लगता? मैं दिन रात पढ़ती हूँ और तब मुझे सब याद भी रहता है टीचर, पर क्वेश्चन पेपर हाथ में आते ही सब भूल जाती हूँ। तुम मन लगा कर नहीं पढ़ती, सिर्फ रट्टा मारती हो। अनबू, तुम कैसे पढ़ाई करते हो? टीचर के पढ़ाते वक्त ध्यान देता हूँ, उसे घर पर जाकर फिर से पढ़ता हूँ, समझता हूँ, इसलिए दिमाग में रह जाता है।
एजुकेशन इज व्हाट रिमेंस आफ्टर वन हैज फॉरगॉटन एवरीथिंग ही लर्नड इन स्कूल। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, सिर्फ देखकर बोलने से पढ़ाई नहीं होती, समझकर बोलना ही पड़ता है। वेरी गुड, तुम्हारे पास टाइम हो तो सुंदरी को थोड़ा गाइड कर देना। ओके टीचर। सुंदरी, ये नोट्स पढ़कर देखो, समझ में ना आया तो मुझसे पूछो। टॉपर हो तो इतराओ मत, चटनी बना दूंगी तुम्हारी। मैं इतना भी नाजुक नहीं, जो कहा है वो कर। अनबू बोले ना मम्मी। सुंदरी की मम्मी कुछ देने वाली थी, वो लेकर आओ, मैं चलकर जाती हूँ। लगता है खानदान में कोई पढ़ाई नहीं करेगा। मैं भी कहाँ पढ़ी हूँ, मुझे भी अच्छे से पढ़ाई आती है, मैं इंग्लिश मीडियम में थर्ड स्टैंडर्ड पास हूँ। ए बुढ़िया, इस घर में तू ही इंग्लिश पढ़ी है, बोलकर ज्यादा फुदक मत, चुपचाप अपना काम कर। ए तू तो 10वीं में 9 बार फेल हो गई है, तू अपना काम कर। तेरा चेहरा नोच लूंगी, जब देखो तब बड़बड़ करती रहती है। पढ़ाई कोई बड़ी बात नहीं है। एजुकेशन इज व्हाट रिमाइंड वन हैज फॉरगॉटन एवरीथिंग ही लर्नड इन स्कूल, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। सिर्फ देखकर बोलने से पढ़ाई नहीं होती, समझकर बोलना ही पढ़ाई है। जरूर दिमाग में बैठेगा, तुम लोग कोशिश करो। ये यहाँ? ए, नोट्स देकर मेरी जासूसी कर रहे हो क्या? क्यों आए हो? मैं तुझे नहीं, तेरी दादी पे लाइन मारने आया हूँ। ए, जबान संभाल कर बोल, नहीं तो चटनी बना दूंगी तेरी। अरे बाप रे, दादी आप तो अपनी पोती से भी बढ़कर निकली। ए, यहाँ क्यों आया है? इसकी माँ को मैं मुर्गा देने वाली थी, इसलिए बुलाया है। किससे पूछकर बुलाया है? उस राजमणि को नहीं देना है, तू जा सकता है। तो भाड़े पर दे दे, महीने का 200 रुपए दे दूंगा। भाड़ा देगा? हाँ। तुझे क्यों चाहिए राजमणि? हाँ। मेरे घर में मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही ना, इसलिए। मेरे राजमणि को ठीक से खाना तो खिलाएगा ना? हाँ, पक्का खिलाऊंगा। ठीक है, रुक अभी लेकर आती हूँ। बच्ची तेरा नाम क्या है? बच्ची बच्ची बोला ना तो तेरी उंगली काट दूंगी। तू तो अपनी बहन से भी 2 कदम आगे निकली। मेरे राजमणि को कुछ हुआ ना तो मुंह नोच लूंगी तुम्हारा। हाँ, अब तो चिकन 65 बनेगा। कुछ नहीं, ये मुर्गा भी तुम्हारे तरह पक पक करता है क्या? हो गया, चले यहाँ से, नहीं तो चटनी बना दूंगी। लगता है चटनी बनाना इसका बिजनेस है। क्या कहा? कुछ नहीं, मुर्गे से बात कर रहा था। हाँ ठीक है, चलता हूँ, बाय आंटी। ठीक है बेटा। अरे उसे लेकर देना। ए चाहिए तो एक और ले लेंगे ना। ठीक है, उसे ले लेंगे ना यार। देख कुछ सीख इससे। हाँ, बहुत डिसेंट है। क्या सुंदरी, बहुत ठंडी ठंडी लग रही हो, गर्मा गर्मा आइसक्रीम खाओगी क्या? तो टीचर का लड़का है तो कुछ भी करेगा, मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा, नाक तोड़ दूंगी तेरा। क्या जब भी मिलती मुझे डराती रहती है, अपना मुंह बंद कर नहीं तो फोड़ दूंगा। फोड़ देगा, फोड़ ना, देखती हूँ मैं। सुंदरी ये कुछ ज्यादा हो रहा है, मुझे गुस्सा आ जाएगा। गुस्सा आएगा तो क्या करेगा? हाँ करके दिखाना, आना आना, दो दो हाथ करके दिखाना, डर गया क्या? पहले तू लड़की के जैसे बर्ताव कर। तू कुछ भी करेगा और हम चुप रहेंगे? क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, ऐसी एक्टिंग मत कर। तेरी नोट्स में पेज नंबर 56, 72, 78 में क्या लिखा है? क्या लिखा है? तूने अपने आप को रोमियो समझकर उसके अंदर आई लव यू आई लव यू आई लव यू लिखा है ना? हेलो, तेरे से पहले भी इस नोट को 10 लोग लेकर गए हैं, किसी ने कुछ लिख दिया होगा। तुझे क्या लगता है मैंने लिखा तेरे लिए ये सब? मैं तेरे जैसी बेशरम नहीं हूँ। मैं भी बहुत शरीफ हूँ, जाकर अपना काम कर। नहीं जाऊंगी तो क्या करेगा? अनबू यहाँ क्या झगड़ा चल रहा है? इसे कुछ गलत फहमी होगी इसलिए मुझे। टीचर अपने बेटे को समझा दो, मुझसे पंगा लेने की कोशिश ना करे। क्या हुआ सुंदरी, इसने क्या किया है? उसी से पूछो ना। अनबू क्या है ये? मम्मी सुंदरी ने अब... पहले तुम इसे सॉरी बोलो। मम्मी प्लीज। अनबू पहले इसे माफी मांगो, दोनों शेक हैंड्स करो और अच्छे दोस्तों की तरह क्लास में आओ, नहीं तो दोनों बाहर ही रहो। ठीक है, दोनों हाथ मिलाओ। ए अरे अपनी क्लासमेट ही तो है, हाथ मिला चल। सॉरी। ओके। जीसस, ये सब क्या हो रहा है? ये कोई स्कूल है या कन्याकुमारी बीच है? नहीं फादर, मैं इसे सॉरी कह रहा था। क्यों बेटी, ये तो लड़का है लेकिन तुम तो लड़की हो, सबके सामने इसका हाथ पकड़ कर मसल रही हो। नहीं फादर, मैं तो सिर्फ फ्रेंडशिप। अरे क्या फ्रेंडशिप, ठीक है तुम्हारी माँ को बुलाओ, उनसे बात करता हूँ मैं। 80 से मुझे बहुत गुस्सा आता है। 80 मार्क्स से सिल्वा। क्या बोली? रुक रुक, अरे कोई रुको।
जीसस, इन पापियों को माफ कर देना। चीनी कम है थोड़ी थोड़ी तुझ में है कम, कम। आसाम में देश की सीमा पर चुपके से घुसने वाले 5 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। सेना और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी में 2 सैनिक शहीद हो गए हैं। घायलों की संख्या अभी पता नहीं चली। लेफ्टिनेंट वीरास्वामी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। लेफ्टिनेंट वीरास्वामी नागा पापा के बारे में न्यूज आ रही है, जल्दी आओ। रहने वाले हैं। उनके सहायक सैनिकों ने मिलकर आतंकवादियों का मकसद नाकाम कर दिया है। आगे की खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। असम में बॉर्डर लाइन पर आतंकवादियों से मुठभेड़ में हमारे 2 सैनिक शहीद हो गए और 5 घायल हो गए। हमारे जाबाज सैनिकों ने 3 आतंकवादियों को मार दिया। हेलो, मैं बोल रही हूँ जी। आप घायल हो गए हैं ऐसा सुना, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं अभी आपके पास आती हूँ। नहीं रहने दो, छोटा सा जख्म ठीक हो जाएगा। अंबू कहाँ है? ये लीजिए। पापा, बहुत ज्यादा चोट लगी है। डरने की जरूरत नहीं है, माँ ज्यादा डर रही है। यस, मैं ठीक होते ही आ जाऊंगा। अंबू, डॉक्टर आ रहे हैं, मैं बाद में फोन करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, बाद में बात करेंगे। वो गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर वीरास्वामी? नो, प्लीज टेक रेस्ट। हाउ इज योर हेल्थ? अब ठीक हूँ सर। मिस्टर वीरास्वामी, जो डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन्होंने आपको लॉन्ग रेस्ट के लिए कहा है, आप क्या करना चाहेंगे? सर, मेरी आधी जिंदगी तो बॉर्डर पर बीत गई, अब मेरे पास जो भी समय बचा हुआ है वो मैं फैमिली को देना चाहता हूँ। अब VRS लेना चाहता हूँ सर। ओके मिस्टर वीरास्वामी, ओके, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। आजा, तुझे जो पूछना है पूछ ले। आना, अच्छा बुरा जो भी पूछना है पूछ ले। क्या तकलीफ है तुझे बता? माता, मैं अपनी संतान के बारे में पूछना चाहता हूँ। माता को सब है पता, पूछ। मेरी बीवी गर्भवती है, मुझे बेटा होगा या बेटी होगी? माता, माता तेरे ऊपर बहुत ही क्रोधित है, पहले उसे शांत कर। तेरे घर पप्पू पैदा होगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा माता? पहले तू बलि चढ़ा और सबको खाना खिला, तभी पप्पू पैदा होगा। ठीक है, मैं करूँगा माता। जय हो माता। अरे वो तो सुंदरी है ना। अंबू कुछ बोलो, उसके शरीर में माता आती है, अगर उन्होंने सुन लिया तो मुसीबत आ जाएगी। चलकर उसे आशीर्वाद दे। क्या तुम भी ना मम्मी? माता हमें आशीर्वाद दीजिए। खुश रहे। अंबू, तुम्हारे मन में जो है वो मांग लो बेटा, माता जरूर देंगी। क्या चाहिए? मांग लो बेटा। बोल क्या चाहिए? माता, मैं तुम्हें ही चाहता हूँ दिल से। ये क्या बोल रहा है तू? मेरा मतलब मैं एक लड़की को दिल से चाहता हूँ, वो मुझे मिलेगी ना? अरे झुककर पैर पड़, नहीं तो भड़क जाएगी माता। माता के सामने दिया जला, तेरा काम हो जाएगा। ठीक है माता। माता को अगर क्रोध दिलाएगा तो तू बर्बाद हो जाएगा। अरे प्रणाम करके चली यहाँ से। ए, जल्दी करना, वो बगीचा वाला आ जाएगा। आने देना, आएगा तो क्या कर लेगा? तू क्यों डरती है? ए, वहाँ देख यार। क्या बात है? उस दिन तेरे अंदर देवी आई थी और आज अमरूद चोरी कर रही है, अच्छा एड़ा बना रही है। ए, मेरा पीछा क्यों कर रहा है? चटनी बनाऊं क्या? लड़की होकर तुम पेड़ पर चढ़ जाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं पेड़ पर चढ़ूं या पहाड़ पर चढ़ूं, तुझे उससे क्या? यहाँ क्यों आया है? सूली पर चढ़ाने आया हूँ मेरी मौसी को। अच्छा, मंदिर में जाकर चढ़ा? मेरे लिए तू ही मेरी मौसी है। ए, तू मुझे समझता क्या है? ऐसी धुलाई करूंगी कि किसी का पीछा नहीं कर पाएगा। चल फोड़ यहाँ से। ए, इतने गुस्से में क्यों रहती है? कभी प्यार से बात करके दे। ए, मेरे मामा का लड़का है या रिश्तेदार है जो तुझसे प्यार से बात करूँ? चल निकल यहाँ से। ए, तमीज से बात कर। तमीज से बात नहीं की तो क्या करेगा? बोल क्या करेगा? ऐसे मैं भी हाथ लगा सकता हूँ तुझे। हाथ लगा करके दिखा पहले, चल दिखा। सुंदरी, मुझे गुस्सा मत दिला। गुस्सा आ गया तो क्या करेगा? चल जा। ज्यादा बोलेगी तो मुंह तोड़ दूंगा। हाथ लगा कर तो दिखा, चप्पल से मारूंगी, चप्पल से। तू मुझे जानता नहीं है। ठीक है, चल निकल। चल जा जा, छोटे बच्चे की तरह अपने घर जा। चल ना यार, ये बहुत तीखी है, तेरे साथ सेट नहीं होने वाली। बेकार में त्रिशूल लेकर क्यों घूम रहा है? चल।
पापा कैसे हैं आप? अच्छा हूँ बेटा। ये क्या है जी? अब तो मैं आ गया हूँ, अब तो मरने तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। खुशी के मौके पर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आइए। कैसे हो जवान? अच्छे हो ना? अच्छा हूँ फादर, आप कैसे हैं? जीसस की दुआ से मैं बहुत खुश हूँ। वैसे आपका जख्म अभी तक सूखा नहीं जवान? अच्छा हो गया है फादर, पैर में एक गोली लगी, बस वही दर्द कर रहा है। ये क्या कह रहे हो जवान? इसके अंदर गोली है, वो भी बंदूक की गोली? हाँ, AK-47 की दो गोली लगी है, एक गोली निकाल दी और दूसरी गोली हड्डी को टच कर रही है, अगर उसे निकाला तो जान को खतरा है। असली बंदूक में गोली डालकर आपने चलाई और असल में ही झगड़ा हुआ था क्या? आपको डर नहीं लगा? डरूंगा तो जान चली जाएगी, एक फौजी के लिए बंदूक और बंदूक की गोली दोनों खिलौने होते हैं। कैसे और कहां झगड़ा हुआ और आपको कैसे मार लगी, ये सब हमें बताओ ना, सुनने के लिए हम सब बेचैन हैं। 2 साल पहले असम बॉर्डर पर आधी रात को अजय, घर पे सब कैसे हैं? अरे कुछ पता नहीं है यार। अरे पिछली बार क्या हुआ जानता है तू? कौन? हमारे जंगल की पहलवान। अच्छा, कैसा है तुम्हारा बेटा? अरे मेरे बेटे के बारे में क्या कहूँ, वो तो समझदार हो गया है। ये हुई ना बात। चीयर्स। कुछ लोग बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं सर। गेट रेडी। सरदार जी बड़े दिलेर इंसान थे सर, उनका नाम सुखविंदर सिंह था, ग्रेट सर। उस सैनिक की आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए शांति मिल जाए। इसे संभाल कर रखना, रख लो, ये लीजिए। जवान साहब बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत स्ट्रॉन्ग है। थैंक्स। तुम सब मिलकर पीना। बनारसी साड़ी। मैंने अपने टाइम पास के लिए रखा था, तुम यूज करना। थैंक्स पापा। फोटो खींचो।
जीसस, आपका बेटा तो हमेशा मुझसे मजाक ही करता रहता है। थोड़ा पास में आई ना मम्मी। पापा, मम्मी के गले में हाथ डालिए ना। नजदीक तो खड़ा। अरे उसमें क्या है, मम्मी तो आपकी डालेंगे ना, गले में हाथ डालिए। ए, मार खाएगा। मम्मी, पापा आपके लवर है ना, तो आपको उनके कंधे पर हाथ रखना चाहिए। चलिए अच्छे से रखो ना मम्मी। चल जा, आप आइए जी। आप सही कह रहे हैं, ये स्कूल जाने वाला लड़का है, बस इसके हाथ के थोड़े से बाल छील दो। नहीं चाहिए पापा, मन नहीं है। पी लो बेटा। जन्म लिया है तो हम सबको भी एक दिन जाना ही है। इन सब के ऊपर हमें जीना है, जीकर दिखाना है, उसे ही जीना कहते हैं। 18 साल की उम्र में मैं मिलिट्री में भर्ती हो गया, मैं घर पर बोझ था। 20 साल की उम्र में मैं BSF में भर्ती हो गया। उसके बाद पढ़ी लिखी तुम्हारी माँ मुझे मिली, तब मुझे मेरा काम भी पसंद आने लगा। 22 साल की उम्र में गांव आने के बाद तुम्हारा जन्म हुआ। उसके बाद मेरा सारा वक्त बॉर्डर पर ही गुजरा। हमारी सुबह और शाम बॉर्डर पर ही गुजरती थी। मैं यही सोचकर वापस आया कि बचा हुआ वक्त तुम्हारे और तुम्हारी माँ के साथ बिताऊं, लेकिन वो तो चली गई। इसी बात का मुझे बहुत दुख है। पापा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जो हुआ है उसे भूलकर अपनी माँ का सपना पूरा कर, पढ़ने लिखने में ध्यान दे, अच्छी तरह से पढ़ाई करके तो टीचर बन जाना, ठीक है? लेकिन उसके लिए तुझे मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करनी होगी, फिर शादी भी करनी है। तू अपनी माँ के सपने को साकार करने में ध्यान दे। पोस्टमैन। गुड मॉर्निंग सर। मिलिट्री डिपार्टमेंट से आपके लिए पोस्ट आया है सर। लीजिए सर, यहां साइन कर दीजिए। आपकी सर्विस से खुश होकर गवर्नमेंट ने आपको 5 एकड़ जमीन दी है। कहां? अरे जल्दी जल्दी हाथ चलो। हाँ ठीक है, अच्छे से काम करो। ठीक है ठीक है। नमस्ते, नमस्ते। उस झोपड़ी में मैं रहता हूँ। हाँ, कितने सालों से? 40 सालों से मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा अच्छा, आपको यहाँ रहने में बहुत आनंद आएगा। क्या कर रहे हो? पापा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पर माँ है, हम यहीं पर घर बना कर रहेंगे। पापा, बना लेंगे, फौरन काम शुरू करते हैं। थैंक्स पापा। बेटा, तेरी खुशी में मेरी खुशी है। चलिए पापा।
बस 5 मिनट बचे हैं, सब लोग अपने अपने पेपर्स दे दो। अनबू, क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था ना? नहीं, इजी था। तुझे तो सब इजी लगता है, हमें ही लिखने में तकलीफ होती है। छोड़ ना, बिना पढ़ाई के भी लोग बड़े बन सकते हैं, तू भी बन जाएगी। तो छुट्टी में कहाँ जा रहा है? सनमन गांव जा रहा हूँ, वहाँ पापा नया घर बना रहे हैं। अच्छा? वहीं रहूंगा। क्यों? मुझे तो घर में ही रहना पड़ता है, बाहर जाने का कभी मौका ही नहीं मिलता। ऐसा है क्या? मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूं क्या? मेरा भी दिल चाहता है, लेकिन कोई देखेगा तो क्या कहेगा? तुम काफी बदल गई हो सुंदरी। किसी के लिए बदलना अच्छी बात है ना? ठीक है, शाम हो रही है, संभल के घर जाना। तुम भी संभल कर जाना। चलती हूँ। चल चल चल, आ जा। इधर खाने दो इसे। अरे हाँ, इसे खाने दो, ले। आजा आजा, लक्ष्मी नारायण पूजा करवा लीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ये लीजिए, आपका घर बहुत ही अच्छा बना है, आप खुश रहिए। धन्यवाद, ये लीजिए। यार इस साल भी अच्छे मार्क्स नहीं आए रे। तू पढ़कर अगले एग्जाम में ट्राई करना। हाँ, ओके। गुड इवनिंग फादर। गुड इवनिंग माय सन। बताओ कितने मार्क्स मिले हैं तुम्हें? 1155। गुड। मैथ्स में 95% और एमपीसी में 98%। इंजीनियरिंग के लिए ट्राई करो, तुम्हें जरूर मिलेगा सन। नहीं फादर, मुझे माँ की तरह टीचर बनना है। नहीं माई सन, वो सब करने में तुम्हें बहुत ही कष्ट होगा। मेरी माँ की यही इच्छा थी फादर। लेकिन अभी इन सब चीजों की क्या जरूरत है बेटा, चुपचाप कोचिंग लेकर प्रोफेसर की पोस्ट के लिए पढ़ाई करो, जल्दी से 4 पैसे कमा लोगे, मुझ जैसी तकलीफ मत उठाओ। ये क्या कह रहे हैं फादर? सोच कर फैसला करो, मुझे बहुत सारा काम है। गॉड ब्लेस यू माई सन। फादर जाने से पहले मुझे एक चीज का मतलब समझाइए। क्या? पीस मतलब क्या? चुप रहो। मास मतलब क्या? वापस गुस्सा दिला रहे हो। पीस मास्टर कहते हैं। बेचारों को माफ कर दो, जीसस इन बेचारों को माफ कर दो। अनबू, हाँ? तुम ही फर्स्ट आए हो ना? और तुम? मैं तो फेल हो गई। कोई बात नहीं, छोड़, मेरा तो यही मानना है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, वैसे भी मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तो मुझे भूल तो नहीं जाएगा ना? अब तुझे कैसे भूल सकता हूँ मैं, तुम्हारी बातों को याद करता हूँ तो हंसी आ जाती है। अब मैं किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करती, चाची के साथ भी मेरी दोस्ती हो गई है। तुम्हारे मुर्गे राजामणि को तुम्हें वापस ला कर दे दूंगा। रहने दे अनबू, तू ही रख उसे, जब भी उसे देखेगा तो मेरी याद आएगी। और हाँ, वो जो नोट्स में आई लव यू लिखा था वो मैंने ही लिखा था। मैं जानती हूँ, मुझे अब पढ़ना है और कुछ बनना है। कभी मेरी याद आए तो मेरे घर पर जरूर आना। जरूर आऊंगा। मेरे पिता का नंबर 9444 87963। फोन करना मुझे। ठीक है, ये मैं रख लूं अनबू। अपनी शादी का कार्ड भेजना, जरूर आऊंगा। ठीक है, मैं चलती हूँ। बाय बाय बाय, चलती बाय बाय, चलता हूँ। बाय बाय, चलती हूँ। बाय बाय, चलता हूँ। बाय, चलती हूँ। बाय बाय सुंदरी। बाय। पापा मार्कशीट ले लिया, इस बार भी फर्स्ट हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चलो घर चलते हैं। उस लड़की का नाम क्या है? पापा उस लड़की का नाम सुंदरी है, मेरी फ्रेंड है, क्लासमेट है। हमारे जमाने में लड़कियों को देखना ही इतना बुरा समझते थे कि पूछो मत, तो तुम्हारे जमाने में लड़कियों के साथ बात करते हंसते खेलते देखकर अच्छा लगता है। अच्छे मार्क्स तो लाए ही हो, अब डिग्री लेकर टीचर की ट्रेनिंग भी ले लो। अभी नहीं पापा, टीचर ट्रेनिंग का 2 साल का इंस्टीट्यूट में कोर्स करूंगा और काम करते हुए डिग्री कर लूंगा। तो फिर अपने एरिया में जितने इंस्टीट्यूट हैं सब में अप्लाई कर दो।
पनौती आती है तब हाथ धोकर अपने पीछे पड़ जाती है। सिर्फ आपके साथ ही ऐसा क्यों होता है? जो हुआ अच्छा हुआ, उसी जगह पर चोट लगी इसलिए ऑपरेशन करके गोली निकाल दी। देखो तो कितना भयानक हादसा था। अपने दोष निवारण के लिए लक्ष्मी नारायण पूजा करवा लीजिए, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अच्छा हुआ अंबू को ज्यादा चोट नहीं लगी। आपको चलने फिरने में कितने दिन लगेंगे? कम से कम 6 महीने तो लगेंगे। तब तक खाना पीना नहाना धोना सबके लिए क्या करूं? कोई काम करने वाला आदमी मिले तो देखना। मैं देखता हूँ। अनबू तू हॉस्पिटल में, ऐसा मुझे श्रवण ने बताया, तुझे कुछ नहीं हुआ ना? पापा को ज्यादा लगी है। ओह अभी कैसे हैं आप? 13 टाँके लगाए हैं, बस दर्द थोड़ा ज्यादा हो रहा है। जल्दी अच्छे हो जाएंगे। पापा इसमें मात आती है, ये कहेगी तो सब ठीक हो जाएगा। तुझे मार लगी है ये सुनकर ये बेहोश होने लगी, इसलिए मैं इसे यहाँ ले आई। मैं तुम लोगों के लिए सूप बनाकर लाई हूँ, पियोगे क्या? अभी तो नहीं, लेकिन बाद में पी लूंगा। अंबू तुम यहाँ बैठे बैठे बोर तो नहीं हो रहे? जरा बाहर घूम फिर कर आओ। नहीं पापा। सुंदरी सुनो, धूप आने से पहले तुम लोग निकल जाओ, ये बर्तन मैं शाम को तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। तबीयत का ख्याल रखिएगा। चलती हूँ। घर संभालने वाली तो मिल गई। अंबू तुम शादी कर लो बेटा। अरे ये आप क्या कह रहे हैं पापा, मैं तो अभी 18 साल का हूँ, इतनी जल्दी नहीं? मेरी तो 16 साल में ही हो गई थी। वो आपका जमाना था, मुझे पढ़ना है, कुछ करके दिखाना है। जरूर कर, लेकिन पहले शादी कर ले, मेरी बहू घर संभालेगी और तू पढ़ाई करके घर चलाना। नहीं पापा ये करना ठीक नहीं होगा। मैं तेरे लिए गलत सोचूंगा, मेरी बात मान ले बेटा। नहीं देखो पापा, तुम्हें और तुम्हारे पिताजी की देखभाल के लिए तो कोई चाहिए ना, शादी कर लो। क्या कह रहे मामा? चुप रहो, बड़े लोग बोल रहे हैं ना, उस लड़की से शादी कर लो। कौन सी लड़की? सुंदरी तुझे पसंद नहीं? सुंदरी अच्छी लड़की है, पर पता नहीं उसके घर वाले क्या कहेंगे। हम बात करेंगे। संभल कर आइए। आइए आइए माँ, अंबू के पापा आए हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। आइए, तबीयत कैसी है, सब ठीक है ना? सब ठीक है। जा बेटी पानी लेकर आ, आइए बैठिए। अंबू और उसकी माँ के बारे में सुंदरी हमेशा बोलती थी, जो भी हुआ बुरा हुआ। अभी बैठी ना आंटी। कोई बात नहीं बेटा, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूँगा, मिलिट्री मैन का बेटा है, तुम्हारी बेटी बहुत खुश रहेगी इसके साथ, तुम क्या कहती हो? अरे भाई साहब, ये क्या कर रही हो? इसके पिताजी नहीं है और आपने यहाँ आकर हम जैसे छोटे लोगों को सम्मान दिया, अब मैं इनकार कैसे करूं? जिंदगी में बड़ा या छोटा होना ऊपर वाले के हाथ में होता है। इन्हें दो बेटी, मेरी बेटी आपके घर में बहुत खुश रहेगी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। मुझे खुश हुई। फिर भी अपने लोगों से थोड़ा पूछताछ कर लो, अच्छा रहेगा। जब हम तकलीफ में थे तो वो लोग कहाँ गए थे? इससे ही मेरी बेटी की शादी होगी। ठीक है, फिर मैं अच्छा सा मुहूर्त निकलवाता। ठीक है, मेरी एक कंडीशन है, मैं चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं काम करूँ। मैं आपके घर की भी सारी जिम्मेदारी निभाऊंगी, पर जो कमाऊंगी वो पैसे मैं इन्हें दूंगी, वरना इनकी हालत बिगड़ जाएगी। नहीं, मैं ही इन्हें हर महीने पैसे दूंगा। इसकी जरूरत नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इनका ध्यान रखूं। मुझे तो ये देखते ही पसंद आ गई थी। थैंक यू। ठीक है तो हम चलते हैं। ठीक है भाई साहब। नमस्कार। नमस्ते। अरे बेटा बेटा, बहुत देख लिया, चलो। आइए भाई साहब। आओ आ जाओ। आइए आओ बेटा, चलो आ जाओ, जरा आगे खड़े रहो। ए फोटो अच्छी निकल रहा। वाह जोड़ी क्या बढ़िया है। अरे अपना अंबू भी कम थोड़ी ना है। हे
चलो अंदर चलो। जी हाँ पापा आओ। दिया जलाओ। जगह मुझे बहुत पसंद आई। उस तरफ क्या है? समुंदर। सच में? मुझे बहुत चाहते थे। मैंने समंदर को कभी करीब से नहीं देखा था। एक दिन मैंने पिताजी से जिद की कि मुझे समंदर दिखाए और पिताजी तैयार हो गए। उसी रास्ते में पिताजी को हार्ट अटैक आया और वो गुजर गए। उसके बाद मैं कभी समंदर के करीब नहीं जा पाई। किनारे पर रहकर समंदर को देखते हैं। मैं समंदर के अंदर जाना चाहती हूँ। जा सकते हैं क्या पापा? जा सकते हैं बेटी। हाँ? फर्स्ट नाइट बोट में बड़ा मजा आएगा। जा 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 ना, जा ना, जा जा, चल चल। शादी के बाद लड़कियों में एक अलग खूबसूरती आ जाती है। बहू को नजर क्यों लगा रहे हैं सर? ये सब करने में बहुत खर्चा आया होगा ना? तुम दोनों की खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम दोनों खुशी खुशी जाओ। ठीक है पापा। हाँ। आओ सुंदरी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ए, दीर्घायुषी हो, तुम दोनों खुश रहो, सदा स्वागत हो। आराम से बैठ जाओ। आराम से सुंदरी, चलो। अरे सुन। हाँ? ये मेरा पर्सनल गिफ्ट है। पब्लिक में ये दे नहीं सकता था इसलिए। थैंक्स। छोटी उम्र है, शादी हो गई, इसमें तो तू पास हो गया, लेकिन अभी जिंदगी कैसे चलाएगा उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अपना ख्याल रखते हुए खुश रहना, अभी बच्चा मत पैदा करना। तुम्हारी एडवाइस के लिए शुक्रिया। मेरे बजट के हिसाब से 6 पीस लेकर दिए हैं, ये खत्म होते ही तू ही ले लेना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे ही धोकर सुखा लेना और इस्त्री मार कर वापस यूज कर लेना। ठीक है, अब तूने बहुत बकवास कर लिया, अब तो निकल यहाँ से, बाकी मैं देख लूंगा। चलो भाई धक्का लगाओ। ए चलो धक्का मारो। हाँ मारो धक्का, चलो मारो धक्का। जय 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 यार। आज रुक जाता हूँ ना सुंदरी, मन नहीं कर रहा, कल चला जाऊंगा। मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि तुम रुक जाओ, पर पढ़ाई करना भी जरूरी है ना। तुम जल्दी से टीचर बन जाओ, फिर मैं गर्व से कह सकती हूँ मैं टीचर की बीवी हूँ। जाओ अब। अगर एक दिन की भी छुट्टी मिले ना तो भाग कर आ जाना।
पापा मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूँ। ठीक से जाकर आ। पैसे और एडमिशन कार्ड लिया ना? सब ले लिया है, पर सुंदरी को थोड़ा। बच्चे के बारे में फिक्र मत कर, मैं उसका ख्याल रखूंगा। तू जाकर अच्छे से पढ़ाई कर। ठीक है पापा। टाइम पे खाना खाना, अच्छे से सोना और रोज सुंदरी के साथ फोन पर बात करना। ठीक है पापा, मैं अब चलता हूँ। संभाल कर जाना। हाँ पापा। इतना बड़ा गड्ढा क्यों खोद रहे हैं पापा? बारिश होती है तो सारा पानी समुंदर में चला जाता है। पानी बचा कर रखेंगे तो पेड़ पौधों को डालने में काम आएगा, इसलिए। ऐसा आइडिया आपको आया कहाँ से? मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ। आसाम के किसान लोग ऐसे ही पानी जमा करके उपयोग करते हैं, हम लोग ही ऐसा कुछ नहीं सोचते। ठीक है पापा, आप खाली पेट काम कर रहे हैं, थोड़ा सा नीरा पी लीजिए, ठंडक मिलेगी। दे दो। चोट तो नहीं लगी? आराम से, मैं मदद करता हूँ। कहीं लगा तो नहीं ना पापा? मैं आपके लिए दूसरा नीरा लेकर आती हूँ। पिता ईश्वर सबका ख्याल रख। तुम यहाँ कैसे? मैं इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने आया हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं ही तो यहाँ का प्रिंसिपल हूँ। कौन सा पल? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वैसे भी बोल सकते हो। तो फिर तो मेरे दिन आराम से कटेंगे। राजा, यहाँ पर मुझे सब लोग बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। वहाँ की तरह मुझे चिढ़ा कर मेरी रिस्पेक्ट को डैमेज मत करो। हाँ, इसका मतलब लोग आपको यहाँ पर जानते नहीं है। हाँ, किसी को कुछ नहीं पता है राजा। तुम यहाँ पूरी आजादी के साथ रह सकते हो। अगर पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो भी मैं पास करवा दूंगा। लेकिन उसी नाम से बुलाकर कोई बवाल मत खड़ा कर देना। जब भी चाहूंगा छुट्टी लूंगा, मजे करूंगा और डायलॉग मारूंगा, और आप इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। ओके, जेंटलमैन एग्रीमेंट? क्या ढूंढ रहे हो? जेंटलमैन का ये ढूंढ रहा हूं। फादर। ओके ओके, आओ राजा, मैं ही तुम्हें कटपीस में ले चलता हूँ। थैंक यू फादर। राजा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे इस तरह भगा भगा कर सताते हो? जेंटलमैन अग्रीमेंट। ओके माय सन। चुपचाप मुंह बंद करके चलो। डबल ओके। Go!
तुम उस झोपड़े में क्यों सोई थी? कपड़े सीते सीते नींद आ गई, वहीं सो गई। ठीक है, बड़े घर में जाकर सो जाओ। ठीक है पापा, आप यहाँ बाहर क्यों सो रहे हैं? अंदर आकर सो जाइए ना। मुझे तो आदत है, तुम जाकर सो जाओ। हाँ। लाओ। सुंदरी, Thank you.
पापा? प्यास लगी है। हाँ? ओ, ये पानी तो गिर गया, रुकिए मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए पापा। और कुछ चाहिए क्या? बहुत जोर की बारिश हो रही है। मैं बिस्तर लगा देती हूँ, आप यहीं सो जाइए। मैं बारिश हो जाती हूँ। आज इतनी क्यों पी ली है? अगर से गाड़ी लगा ले। सोच भी कैसे सकता हूं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे और मेरे परिवार को बचा लो शांता। अकेले में क्या बड़बड़ा रहे हैं? कुछ नहीं। चलिए हम मछली पकड़ कर लाते हैं। मैं नहीं जाऊंगा, तुम भी मत जाओ। मैं मार्केट से कुछ लेकर आता हूँ। बाजार की बासी मछलियों में वो स्वाद नहीं होता है पापा। समंदर में जाकर ताजी मछली पकड़ते हैं, उसे बनाती हूँ। मेरी बनाई हुई मछली खाकर आप हीरो बन जाएंगे। समंदर में अकेले मत जाना। समंदर का भूत मुझे लेकर भाग नहीं जाएगा। अगर उसने ऐसा किया तो आप है ना मुझे बचाने के लिए। मैंने कहा ना मत जाना। एक फौजी होकर इतना डर रहे हैं? आप यही खड़े होकर देखते रहिए, मैं अभी मछली पकड़ कर लाती हूँ। मैं भी चलता हूँ। रोक दीजिए, यही मछली पकड़ते हैं। समुद्र की लहरें तेज हो रही हैं। थोड़ी और मछली पकड़ कर चले जाएंगे। अरे पापा पापा, एक बड़ी मछली आई है। सुंदरी पापा, thank you.
खोलो सुंदरी, सुंदरी देखो सुंदरी, सुंदरी 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 तुमने बहुत पानी पी लिया था इसलिए बेटे के साथ मैंने बहुत बड़ा धोखा किया है, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। हट जाओ, जीने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, मैंने भी गलती की है, मुझे भी मरना होगा। तू बच्ची है, अनजान है तू, इतनी बड़ी गलती तो मैंने की है, मुझे मरना चाहिए। हट जा। आप मरेंगे तो मैं आपके बेटे को क्या जवाब दूंगी? आज नहीं तो कल उसे पता चल ही जाएगा, मैं भी मर जाती हूँ। अच्छा होगा आप भी मुझे मार डालिए, मार डालिए। हम दोनों समंदर में डूबकर मर जाते हैं, चलिए। मेरा बेटा अकेला हो जाएगा, उसे देखने वाला कौन है? चलो उसे कह देते, जो भी गलत किया है उसे कह देते, चलो। नहीं पापा, अब मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखा सकती। अगर उसे नहीं कहा तो मैं जरूर मर जाऊंगा। नहीं पापा, तुम मेरी बात सुनो, जो भी हुआ उसे बता देंगे, चलो। नीले समंदर के किनारे। अरे आप मिस्टर वीरा स्वामी, मिलिट्री मैन। हाँ फादर, आप कैसे? जीसस की कृपा से तो सब अच्छा चल रहा है। तुम सुंदरी हो ना, यहाँ क्या कर रही हो? ये अंबू की पत्नी है। क्या, अंबू की पत्नी? अच्छा तो उसकी शादी हो गई क्या? मतलब आप तो ससुर बन गए हो। वेट कीजिए, अनबू जी को मैं अभी भेजता हूँ। अरे भैया अब तू तो मुझे अच्छे बहुत लग रहा है। अनबू को कुछ मत बताइए। चुप रहो। अरे पापा आप यहाँ क्यों आए, वो भी सुंदरी को लेकर? आप इसी वक्त जाइए यहाँ से। तुमसे खास बात करनी है। हम बाद में बात करेंगे, पहले आप जाइए यहाँ से।
नहीं अम्बो। पापा अगर यहाँ किसी को पता चल गया कि मैं शादीशुदा हूँ तो अच्छा नहीं होगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा मजाक उड़ाया जाएगा यहाँ पर। आप जाइए ना, जल्दी छुट्टी लेकर आऊंगा, फिर बात करता हूँ आपसे। मैं तुम्हें फोन करके बात करूंगा, बाय। अम्बो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। बाय पापा। आइए साहब जी, तुम शादी कर चुके हो, ये सस्पेंस तुमने अब तक छुपा कर रखा था, सबको बता दूं क्या? फादर फादर आप ये बात किसी को मत बताइएगा, वरना मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अच्छा तो अभी फादर की बहुत इज्जत हो रही है, तुम नए नए दूल्हे हो, अगर ऐसा मैं असेंबली में बोल दूंगा तो फिर ये पूरा कॉलेज तेरे नाम पर थू 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 थूकेगा। फादर फादर प्लीज ऐसा मत कीजिए, फादर आप अच्छे वाले फादर है ना? नहीं 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 नहीं, तूने मुझे बहुत सताया है, अब तो मैं बस बोलने ही जा रहा हूँ। ए फादर। ए क्या हुआ, फिर वापस वैसे ही बोल रहे हो? पैर पड़ता हूँ, ये किसी को मत बताना। अगर मेरी शादी की बात जरा सी भी लीक हुई तो आपके बारे में पोस्टर छपवा दूंगा, समझ गए? ओह नहीं नहीं राजा, हम दोनों एक दूसरे के साथ में भाईचारे से ही दिन निकाल लेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो अच्छा नहीं होगा। ए तो जेंटलमैन अग्रीमेंट, ये सब तो जीसस की ही कृपा है। अबे फादर। ए बाय फादर। बाय माय सन। अच्छा तो हम चलते। बात है, इतने तेज गाड़ी क्यों चला रहे हैं? रुकिए रुकिए रुकिए, यही घर है, रुकिए। आइए चलिए मेरे साथ। क्यों जाने मन, ठीक हो ना? कैसे हैं साहब, बहुत दिनों बाद दिखाई दिए। अरे जवानी ढल रही है ना, इसीलिए नहीं आता। वो सब छोड़, तेरा धंधा कैसा चल रहा है? मेरा धंधा तो ठीक है, वैसे ये कौन है बताइए ना? ये मेरे दोस्त है, मिलिट्री मैन है। आदमी तो हट्टा कट्टा दिख रहा है, वैसे ये बताइए इनमें से कौन सी चाहिए? तू ही अपने साथ ले जा, मेरा तो रेट ज्यादा है। ऐसी बात है, ये देख। हाँ, इस मामू के पास दे दो। क्या सोच रहे हो सर, आपने बहुत शराब पी होगी, इसे भी नई शराब समझकर पी जाओ, जाओ एंजॉय करो, जाकर आओ, मैं बाहर बैठा हूँ। आ जाओ यार, थोड़े लोगों को खटिए में पसंद है, थोड़े लोगों को नीचे पसंद है, तुम्हें कहाँ पसंद है? पहले कभी औरत को देखा नहीं क्या जो ऐसे घूर रहा है तू? आजा, आजा, आजा ना। ए, पैसे देकर तमाशा देखेगा? आया है तो काम करके जल्दी निकल, दूसरा कस्टमर रेडी है। अरे जा मत, इतनी भी क्या जल्दी है, आ जाना। हेलो, RR इंस्टीट्यूट हॉस्टल। फर्स्ट ईयर में अनबू पढ़ता है, उसे बुला देंगे। आप लाइन पर रहिए। वी अनबू, आपके लिए फोन है। हेलो अनबू। पापा कैसे हैं आप? सुंदरी ठीक तो है ना? तो सुंदरी को उसकी माँ के घर छोड़कर आ। क्यों, क्या हुआ? उसे यहाँ अकेले अच्छा नहीं लगता और तू भी दूर रहता है। सुंदरी को हमारे घर में खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं है, वहाँ जाएगी तो उसे तकलीफ होगी, और फिर आपके लिए खाना कौन बनाएगा? ऐसा मत करिए पापा। नहीं अनबू। पापा वो नादान है, उसे समझा बुझाकर अपने साथ रखिए। अम्बू मेरी बात सुनो। पापा मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, जैसी छुट्टी मिलेगी वहाँ आ जाऊंगा, लेकिन तब तक सुंदरी को अपने साथ ही रखिए। अम्बू उस बच्ची को। प्लीज पापा थोड़ा सब्र कीजिए, मैं आके बात करूंगा। अरे आराम से। अरे साहब ज्यादा दारू मत पियो, सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। क्या होगा, मौत आएगी ना? आने दो।
मर गया तो सबके लिए अच्छा होगा। इन्होंने ज्यादा पी लिया बेटी, अंदर ले जाओ। मेरा राजा बेटा, मेरा सोना, चलो अपने घर चलते हैं, आ जाओ चलो। मैं बहुत बुरा, बहुत बुरा विश्वासघाती हूँ ना। ऐसे बोलते रहेंगे तो सबको पता चल जाएगा, अंदर चलिए। मैं पापी हूँ, मुझे बहुत आनी चाहिए, बहुत। पहले घर के अंदर चलिए। बेटी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। चुपचाप अंदर चलिए। मुझे मुझे माफ कर दे। ये क्या कर रहे हैं, दिमाग खराब हो गया क्या? मुझे डर लगता है, जब भी तेरे साथ पिता हुए उस पल के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है। मैंने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे जहर देकर मार दो बेटी। अरे चुप हो जाइए, रोना बंद कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चलिए सो जाइए। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, मुझे मर जाना चाहिए। चुपचाप सो जाइए। मैंने जो गलती की है वो माफी के लायक नहीं। मुझे जहर दे दो, मुझे मार दो। सो जाइए, कहा ना।
अरे बाप रे, अरे मैंने वैसी कोई फिल्म देखी ही नहीं। ये सब चल रहा है, फादरों के ऐसी फिल्में देखता है। अरे बाबा ये सेल मेरा नहीं है, रोड पर मिला था। ऐसा क्या, 15,000 का होगा, नया भी लग रहा है, तो फिर तो ये मेरा हो गया। थैंक्स फादर। ये मोबाइल मेरा ही है, महीने के पगार में से थोड़ा थोड़ा जमा करके मैंने इसे खरीदा है, दे दे राजा। ये वीडियो कहाँ से मिला? यूट्यूब में से। थू, तुझे शर्म नहीं आती है? इस उम्र में यूट्यूब, ब्लू ट्यूब, येलो ट्यूब सब देखता रहता है। वैसे ये येलो ट्यूब क्या होता है? कल सुबह असेंबली में बताता हूँ, तब पता चलेगा। नहीं राजा, ऐसा करोगे तो मेरे इज्जत की धजियाँ उड़ जाएंगी। अरे इस उम्र के हिसाब से थोड़ा यहाँ वहाँ मजे ले लेता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दे यार। अगर जवानी इतनी उबाल मार रही है तो जाकर शादी क्यों नहीं कर लेता किसी से? सिचुएशन मेक्स अ पीपल बैड, यू नो। फोड़ दूंगा। तुम खुश रहो, खुश रहो। इतनी बड़ी टांग वाला मुर्गा अपने यहाँ कहाँ से आया? राजमणि को काट कर पका दिया। उसे क्या? अपना राजमणि तो तुझे बहुत पसंद था ना? पसंद था, लेकिन उससे ज्यादा आप पसंद हो। मेरी पहली पत्नी शांता भी उतना प्यार नहीं करती थी जितना तुम करती हो। मुझे 16 साल लेट पैदा होना चाहिए था या तुम्हें 16 साल जल्दी पैदा होना चाहिए था, तो हम दोनों कितने खुश रहते। आजकल आप बहुत पीने लगे हैं। बहुत खुश हूँ ना, इसलिए ले, तू भी पी, बहुत मजा आएगा। छी, घर की औरतें पियेंगी तो अच्छा लगेगा। थोड़ा सा पी, है? एक मारूंगी ना। ये जरा सुन के तो देख कितनी बढ़िया खुशबू है। मुझे तो उल्टी आ रही है, पता नहीं इसे कैसे पीते हो। शुरुआत में बदबूदार लगेगा, लेकिन एक बार आदी हो गई तो नाचना शुरू कर दोगी। पसंद नहीं है क्या? ये एक ही बात है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बिल्कुल पसंद नहीं है? आज के बाद इसे पियोगी तो मेरे नजदीक मत आना। तुम्हें पसंद नहीं है? सच में पसंद नहीं है? छोड़ दिया, आज से शैतान को छोड़ दिया, तेरे लिए छोड़ दिया। तू तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी ना? सच में? सच में। कसम से? कसम से, ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं? Hey, don't you have a manners? आने से पहले दस्तक नहीं दे सकते? अपनों के लिए क्या फॉर्मेलिटीज फादर? Hey, तुम्हारे सारे नखरे बाहर रखना, ये प्रिंसिपल रूम है और तुम स्टूडेंट हो। Get up, I say. अच्छा अब ये बता कि मुझे क्यों बुलाया है? This is important. ये पैंट किसका है? अरे ये तो मेरा पैंट है, दो दिन पहले कोई लेकर भाग गया था इसे। Hey, जुबान बंद रखो। ये क्या है? ये तो कॉन्डम है फादर, इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता होगा। Shut up, I say. ये बहुत ही डिसेंट कॉलेज है, तुम जैसे लफोंगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें डिसमिस करता हूँ। फादर फादर, ये थोड़ा सा खास मैटर है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए आजकल गवर्नमेंट इसे फ्री में बांट रही है, आपको पता है? ऐसा क्या? ऐसा ही है फादर। नहीं 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 नहीं, अगर इससे ज्यादा देर तू यहाँ रहेगा तो हालात अच्छे नहीं रहेंगे, बोलता हूँ। सुनिए फादर, मुझे छोटा बच्चा समझकर माफ कर दीजिए ना, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद मैं आपको कभी नहीं सताऊंगा फादर। ए! सारे पाप धुल जाएंगे ऐसा बाइबल में लिखा हुआ है। ऐसा क्या? हाँ फादर, आपने बाइबल पढ़ी नहीं है क्या? ए! ओके, अब से मैं आपके रास्ते में नहीं आऊंगा और आप मेरे रास्ते में नहीं आएंगे। कंफर्म? कंफर्म फादर। तो तुम्हें माफ करता हूँ। थैंक्स। क्या है? कुछ नहीं, मुझे कोई भी यहाँ से हटा नहीं सकता। ये बात है, बहुत जल्दी तेरी बैंड बजाऊंगा मैं। चलो जाओ यहाँ से। हम किसी ने जब भारत पर अटैक किया तो सारे सैनिक मारे गए थे। 1819 में ऐसा हुआ था कि कैसी लग रही हूँ?
देखिए। थैंक यू। हेलो, मैं सुंदरी की माँ बोल रही हूँ। बोलिए ना बहन जी, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? और सुंदरी ठीक है ना? उसे क्या होगा, रानी की तरह रहती है। उसे फोन देता हूँ, बात कीजिए। कौन है? तुम्हारी माँ है, बात करो। हेलो माँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ बेटी, तुम तो सिर्फ पैसे ही भेजती हो, हम लोगों को भूल ही गई। शादी के बाद तो एक बार भी घर नहीं आई। इस घर में एक ही तो औरत है माँ, मैं वहाँ आऊँगी तो यहाँ कौन देखेगा? अच्छी बातें करने लगी है तू। हमारे जमाई बाबू कैसे हैं? हमारे लिए कोई खुशखबरी? नहीं माँ, वो तो कॉलेज गए हैं। खुशखबरी के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है बेटी, तुम बहुत याद आती हो, मैं ही आकर तुमसे मिल लेती हूँ। ठीक है माँ, आने से पहले फोन कर देना। ठीक है, फोन करके ही आऊंगी। तुमने सुना ना माँ, आने से पहले फोन जरूर करना। हाँ ठीक है, अब रखती हूँ। हाँ, बहुत बदल गई है, जैसी भी रहे खुश रहे। जरा धीरे धीरे रखो अपने कदम, वरना तुम गिर जाओगे। गुड मॉर्निंग फादर। गुड मॉर्निंग सन। गुड मॉर्निंग फादर। वेरी गुड मॉर्निंग सन। फादर फादर फादर, मैं आपको ही ढूंढ रहा था। व्हाट्स योर प्रॉब्लम माय सन? आपका फोन आपको वापस करने के लिए आया था। अचानक इतने सुधर कैसे गए? अरे ऐसी। ठीक है तो फिर दे दो। लेकिन उससे पहले एक सुपर वीडियो देखेंगे। कोई खास फिल्म है क्या? और नहीं तो क्या, झक्कास फिल्म है। जरा दिखा तो सही। देखने से लगता है अफ्रीकन आइटम है। आगे देखो। अबे भूतनी के, ये कब निकाला? उस दिन धमकी दी थी ना, उसके अगले दिन ही बनाया। राजा, अंदर मैं कुछ नहीं पहनता, ये मैटर तुम्हें और मुझे पता है, और किसी को नहीं पता। किसी को बताकर मुझे बर्बाद मत करना। हाँ, पैंट के अंदर चड्डी नहीं पहनता, शर्म नहीं आती? वो कुछ सालों से आदत है, लेकिन अब वो हमेशा के लिए हो गई है। अब तो दे दो ना राजा। वो सब तो ठीक है, लेकिन जब सबको पता चलेगा तो क्या होगा? वो कैसे? मैंने वीडियो बनाने के बाद इसे YouTube पे डाल दिया। झूठ बोल रहे हो? प्रॉमिस, सच बोल रहा हूँ। मैं बता देता हूँ, मुझे तुमसे उलझना नहीं है। मैं कितने लोगों को उल्लू बना चुका हूँ, लेकिन मैं उल्लू नहीं बना सकता। ये मेरे बस में नहीं है। अरे भाग, सन्यासी का रोल मुझे नहीं चाहिए। अरे भाग, जीसस का भी रोल नहीं चाहिए। पूरे गांव को मैंने उल्लू बनाया, मगर इसे नहीं बना रहा। इसे सबको छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ। अरे मेरा पीछा छोड़ दे। बीयर मुझे पसंद नहीं है, लेकिन रम कहो तो मुझे अच्छा लगता है। तो सुंदरी, फिल्म कैसी लगी? अच्छी थी ना? लव सीन तो बहुत ही अच्छा था। ओ
हुआ? अरे अरे अनबू, तू कब आया? आने से पहले फोन क्यों किया? ये कपड़े सुंदर की इच्छा थी। बाहर खड़े रहकर ही बात करेंगे क्या? अंदर चलिए। चलो निकलते हैं। कहाँ? तुम्हारी माँ के घर। क्यों? थोड़े दिन के लिए तुम वहीं रहो। तूने ही कहा था ना, खा पी के यहाँ अच्छे से रहेगी, वहाँ जाएगी तो तकलीफ होगी। अब तू ही जाने के लिए कह रहा है? इसे जाने दीजिए। मैं वहाँ चली जाऊंगी तो आप लोगों को कौन खाना खिलाएगा? इसे अपनी माँ के घर भेजने की मेरी इच्छा नहीं है। पापा, ये मेरी बीवी है। शादी का खर्च मैंने दिया है, चाहो तो इसे साथ लेकर जाओ। कॉलेज के बगल में एक रूम लो और उसे वहीं साथ में रखो। महीने का जो भी खर्चा होगा वो मैं दे दूंगा। शादी करने वाले को कॉलेज में चिढ़ाते हैं ऐसा कहा था। तो इसके साथ ही जा बेटी, तेरे सारे कपड़े पैक कर और जा यहाँ से। नहीं पापा, इन्होंने कहा तो मैं माँ के घर चली जाती हूँ। जाओ, किसने मना किया? मैं काशी रामेश्वरम जाकर भीख मांगूंगा। ये सारी धन दौलत मिट्टी में मिल जाने दो। तेरा बाप हूं, मैं तेरा भला ही चाहूंगा, मुझ पर भरोसा रख। देख, तेरी बीवी कोई लड्डू नहीं है जो कोई भी उसे खा लेगा। बेकार में उलझने से अच्छा है अपनी पढ़ाई में ध्यान दो। तेरी बीवी पर कोई भी दाग ना लगे उसकी जिम्मेदारी मेरी है। जाओ, जाकर पढ़ाई में ध्यान दो। छुट्टी मिले तब आ जाना और बच्ची के साथ खुशियां मनाना। तेरी बस का टाइम हो गया, जाने की तैयारी करो। मेरी फिक्र मत कीजिए, आप संभल कर जाइए। क्या हुआ सर? क्या ढूंढ रहे हैं? मेरा बछड़ा खो गया है, उसे ढूंढ रहा हूँ। वो इधर ही कहीं आसपास होगा। बैठिए, दो पैक पी लीजिए। नहीं चाहिए, मैंने पीना छोड़ दिया। क्यों? पसंद नहीं इसलिए। ठीक है, आइए बैठकर बातें करते हैं।
ये तो गलत बात है सर। इंसान को कोई ना कोई नशा तो होता ही है। अगर नया नशा मिल गया तो वो पुराना नशा छोड़ देता है। क्या बोल रहे हो? ये जो लकड़ी है ना, इसे आग में डालने की जरूरत नहीं है। आग के बगल में रखने से भी ये गर्म हो जाती है और फिर धीरे धीरे पूरी तरह आग पकड़कर जलने लगती है। मैं समझा नहीं। मेरी इतनी उम्र हो गई है, अगर मैं अब भी इंसान को ना पहचान पाऊँ तो मेरे अनुभव का क्या मतलब? कहना क्या चाहते हो? डरो मत सर, जो चल रहा है वो मैं किसी को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। ऐसा हादसा मेरे साथ भी हो चुका है सर। मेरी बीवी को बच्चा नहीं हो रहा था, इसीलिए भाई के बेटे को लाकर पाला। वो 17 साल का था, बड़े लाड़ प्यार से पाल रहा था उसे। उसका संबंध मेरी बीवी से हो गया और मैंने ये सब अपनी आंखों से देख लिया। और एक दिन दोनों गांव छोड़कर चले गए। मैं भी सब कुछ भूलकर यहां पर आ गया। मेरा भाई भी मिलिट्री में था, वो मर गया, इसलिए उसकी सारी जमीन मुझे मिल गई। तब से लेकर आज तक मैं इस जमीन को लेकर यहां पर रहता हूं। और ये बच्चा 1.5 साल पहले मैं कन्याकुमारी गया था, वहां पर यह बच्चा मुझे अकेला रोते हुए मिला। इस बेसहारा को सहारा मिल जाए इसीलिए इसको पाल रहा हूं। लेकिन जो गलती करता है कभी न कभी तो पकड़ा ही जाता है और उसके किए की सजा उसे मिलती ही है। छोड़ दो सर, उस बच्ची को छोड़ दो। बेटे की पत्नी बेटी समान होती है, ये बहुत बड़ा पाप है, छोड़ दो उसे। सुनो सर, एक मर्द सिर्फ औरत के लिए ही नहीं होता, वो एक बाप बेटी के लिए, बेटा के लिए, सबके लिए रोल निभाने वाला होना चाहिए। उस बच्ची ने बचपन में ही बाप को खो दिया, उसे अपने बाप का प्यार कभी नहीं मिला। आप में उसे अपना बाप दिखा, वो भी नहीं मिल पाया। आपने अपनी बीवी को खोया तो उसे पा लिया। ये सब छोड़ दीजिए सर, आपका परिवार खुश रहेगा। मैं भी समझता हूँ, लेकिन मैं उसे समझा नहीं पा रहा। औरत का सुंदर बदन एक मंत्र की तरह होता है, एक बार उसमें जो खो गया वो खोता ही चला जाता है। औरत चाहे जैसी भी हो, अगर उसे हम 10 बार देखेंगे तो वो हमें अच्छी ही लगने लगेगी, और एक बार दिल लग गया तो उसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है। उसे छोड़ दो, जितनी जल्दी हो सके उसे उसकी माँ के पास ले जाकर छोड़ दो। आपको छुटकारा मिल जाएगा, नहीं तो आपको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा, आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। जो मैंने आज देखा है वो कल आपके बेटे से भी नहीं छुपेगा। अगर आपके बेटे को पता चल गया तो घर में 2-2 हत्याएं हो जाएंगी। बात को समझो, अगर एक मर्द अपनी छोटी बहन, बड़ी बहन या माँ को गलत कदम उठाते हुए देख ले तो उसे माफ कर देता है, लेकिन बीवी को कभी माफ नहीं करता। क्या आप ऐसा होने देना चाहते हैं? क्या सोचा? उसकी माँ के पास छोड़ कर आता हूँ। ठीक है, उसे छोड़ कर आओ। चलो। कहाँ? तुम्हारी माँ के घर। लेकिन क्यों? तुम्हारे लिए और मेरे परिवार के लिए यही अच्छा है। मैं यही अच्छी हूँ, मैं नहीं जाऊंगी। अगर तू नहीं गई तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। क्या हुआ है आपको? मेरे बिना आप रह सकते हो? कुछ मत बोलो। क्यों? चुपचाप बैठ जाओ। कहाँ ना बैठो। क्या हुआ है आपको? मुझसे बात भी नहीं करोगे क्या? इतने नाराज हो मुझसे? उतरो। चलो। मुझे पता है। क्या पता है? आप मेरे बिना नहीं रह सकते। तुम भी तो मेरे बिना नहीं रह सकती है ना? चलो। हे भगवान, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। सुंदरी, आइए ना पोस्टमैन भैया। तुम्हारे पति का पार्सल आया है। अच्छा, दीजिए। ये लो।
श्री बी अनबुरम का नमस्ते। सिंधु समावेली का नाम एक अच्छे उदाहरण के तौर पर लिया जाता है। सिंधु समावेली, मैं अपने गांव में पला बड़ा हूँ और अपनी माँ से बहुत ही प्यार करता था। मेरे पिता एक बहुत ही अच्छे मिलिट्री मैन थे। मेरी माँ टीचर थी, उनके साथ मैंने अपने 17 साल गुजारे हैं। माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन सांप के काटने की वजह से वो मर गई। उसी दिन मैं भी मर जाना चाहता था, लेकिन सुंदरी ने मेरे जीवन में आकर मुझे संभाला। मुझसे भी 3 साल बड़ी सुंदरी, एक नटखट और झगड़ालू लड़की, वो मेरी क्लासमेट थी। उसे देखते ही मुझे उससे प्यार हो गया था। छोटी मोटी नोकझोंक में हमारा प्यार बढ़ता गया। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ जिसका कोई हिसाब नहीं। मुझे सुंदरी मिली, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। उसके साथ जो 4 दिन बिताए वो मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन थे। वो मेरी जिंदगी में आई, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन अब सुंदरी बदल गई है। मेरे पिता कुछ गलत कर रहे हैं क्या? एक बहू और ससुर के बीच मर्यादा होती है, या फिर मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूँ? मैंने पिछले कुछ दिनों में जो देखा है, समझ में नहीं आ रहा कि उसे कैसे बयां करूं। ये कल्पना है या हकीकत है? मैं अपनी सुंदरी के ऊपर जो शक कर रहा हूं, वो पति होने के नाते सही है क्या? सिंधु समावेली के बीच में सदाचार पैदा हुआ है ऐसा सुना था। उसी समय ये शक करना भी पैदा हुआ था क्या? सुंदरी का जो देखना, उसका छूना, उसको चूमते हुए देखना, उसका प्यार, उसका शरीर, वो सब सच लग रहा था मुझे। जब मैंने उससे प्यार किया तो मैं उस पर शक कैसे कर सकता हूँ? नहीं, सुंदरी मेरी बीवी है, वो कभी भी मुझे धोखा नहीं देगी। मैं जानता हूँ उसे। मैंने तो मेरी सुंदरी के साथ मैं मरकर भी जीना चाहता हूँ। मेरी सुंदरी अच्छी है। जो भी मैंने उस पर शक किया, उसके लिए मैं उसके पैर पकड़कर उससे माफी मांगूंगा। मेरी सुंदरी बहुत भोली है, अच्छी है, मुझे पता है। मुझे माफ कर देना सुंदरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो बेटा, ऐसी हालत में है कि तुम देख नहीं पाओगे। मुझे सुंदरी का चेहरा देखना है। मेरे बाल भी उतार दो। अरे पापी, मेरा खानदान ही खत्म हो गया। बच्चे को छोड़कर चली गई,
अब बाल हो तो भी क्या और ना हो तो भी क्या, उतारो। सबको छोड़कर चले गए। अनबू, अनबू, तुझे प्यार करती थी, बहुत प्यार करती थी, लेकिन शादी हो गई, वो गलत हुआ। सच में अनबू, अगर तू मुझसे बिना शादी किए जाता तो मैं हर पल तुझे याद करके जीती। मेरे प्यार पर शक मत करना। तू मेरे साथ 4 दिन गुजार कर चला गया था, मैं क्या कर सकती थी। मुझे यहाँ मेरा अकेलापन खाए जा रहा था अनबू। और एक दिन एक हादसा हुआ और मैं और तेरे पिताजी गलती कर बैठे। हमने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं, हम अपने आप को रोक नहीं पाए। और हम ये बताने के लिए तुम्हारे पास भी आए थे लेकिन तूने बात ही नहीं सुनी अनबू। और फिर हम इतने आगे बढ़ चुके थे कि तुझे बता ही नहीं पाए अनबू। तू बहुत अच्छा इंसान है, मैं तेरे साथ जीने के लायक नहीं हूँ। अनबू, मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ लेकिन ये बच्चा तेरा नहीं है। अनबू, मैं तेरे साथ एक अच्छी जिंदगी जीना चाहती थी लेकिन मेरी किस्मत में तेरा साथ नहीं था। मैं और तेरे पिताजी हम दोनों ही गलत निकले। अब मैं जीना नहीं चाहती, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे अनबू। अगर फिर से जन्म हुआ तो वो जिंदगी तेरे साथ ही बिताऊंगी अनबू, और तब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। हम साथ रहेंगे, खुशी से जिएंगे। पत्नी का धर्म होता है कि वो अपने पति से वफादार रहे, उसे धोखा ना दे, लेकिन मैं नहीं कर पाई।
मैंने और तेरे पिताजी ने जो गलती की है, मैं जानती हूँ वो माफी के लायक नहीं है, और मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है, और अब मैं जीना भी नहीं चाहती। मुझे माफ कर दे नानी। मैं सारा सच जानता हूं। शर्म नहीं आई आपको अपने बेटे की बीवी के साथ सोते हुए? सुंदरी से मैंने बहुत प्यार किया और आपने सब कुछ खत्म कर दिया? तू नहीं समझेगा बेटा कि अकेलापन क्या होता है। सालों तक मिलिट्री की ड्यूटी निभाते निभाते मैं परिवार को भूल गया था। एक हाथ में रम और एक हाथ में गम, यही मेरी जिंदगी थी। फिर भी तुम्हारी माँ को छोड़कर मैंने कभी किसी को हाथ तक नहीं लगाया था। जब मैं मिलिट्री में अनफिट हो गया तो मैंने सोचा था कि तुम्हारी माँ के साथ खुशी खुशी जीवन बिताऊंगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो भी छोड़कर चली गई तो मैं क्या करता? क्या करता? बहू के साथ नाजायज संबंध बनाओगे? प्यार और अपनापन दुनिया में सभी को लुभाते हैं, और उसने तेरे बाप को भी लुभा दिया। और सुनो, तेरी सुंदरी मेरी सुंदरी हो गई। शुरुआत में मैं उसे अपनी बहू की तरह देखता, वो भी मुझे अपना पिता मानती थी। नियति के कुछ और मंजूर था। हम इसी समुंदर में मछली पकड़ने आए थे, उसी ने जिद की थी और मैंने उसी के साथ जबरदस्ती करके गलत काम किया। हम दोनों तुम्हें बताने भी आए थे पर तुमने सुना नहीं। गलती हमसे एक बार हुई थी लेकिन फिर वो हमारी आदत बनती चली गई। मुझे भी अच्छा लग रहा था और उसे भी। अब क्या करें, हम दोनों मजबूर थे। हम दोनों खुश थे लेकिन क्या हो गया, भगवान से इस बार भी मेरी खुशी देखी नहीं गई। आपने ये गलती करने से पहले माँ के बारे में एक बार भी नहीं सोचा? तुम्हारी माँ भी सालों तक इसी तरह अकेली थी, क्या उससे भी गलती नहीं हुई होगी? जरूर हुई होगी ना। आप सच में घटिया इंसान है, माँ के बारे में कुछ भी नहीं सोच सकता। तेरी पत्नी के साथ तेरे बाप ने धोखा किया तो मेरी गैर हाजिरी में मेरी पत्नी ने मुझे धोखा नहीं दिया होगा, ये कैसे मान लूं? हैं? हो सकता है ना? पर सुंदरी सच में बहुत सुंदर थी, हैं? और गुणवान थी वो। ऊपर वाले ने फुर्सत से बनाया था। तुम्हारी माँ सुंदरी के मुकाबले इतनी सी गुणवान भी नहीं थी। सुंदरी मेरी पत्नी, she is my wife। मैं उसे बहुत प्यार करता था और इसलिए अब मैं तुम्हें उसके पास ही भेजता हूँ। उससे पहले मैं तुझे मार देता। एक बात सुन ले, हम दोनों बहुत खुश थे, तू वापस आए या न आए क्या फर्क पड़ता है? सुंदरी मेरी पत्नी थी, समझा? तेरी नहीं थी। बहुत खुश थे हम, बहुत मजा आया। सुंदरी मुझे बहुत याद आती है। ए सुंदरी, ये सब तेरी वजह से हुआ है। वो मुझे छोड़कर चली गई, मुझे अकेला छोड़कर चली गई। सुन ले, सुंदरी मेरी पत्नी थी, तेरी पत्नी नहीं थी। वो तुझसे ज्यादा मेरे साथ खुश थी। सुंदरी मेरी पत्नी, तेरा और सुंदरी का कोई मेल नहीं था, वो सिर्फ मेरे लिए बनी थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन
सब गड़बड़। मेरे पिता के सुख को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसके बाद जो मैंने किया वो शायद कोई और बेटा नहीं कर पाता, लेकिन मुझे ये करना पड़ा क्योंकि शायद वही सही था। तो बीच में आया। हम बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, सुंदरी और मैं बहुत खुश थे। मैं तुझे बता रहा हूँ ये सब तेरी वजह से हुआ। तू नहीं आता तो बहुत अच्छा, तू आया और सब गड़बड़ कर दिया। मेरी सुंदरी बहुत प्यार करती थी, चली गई ऊपर वाले के, अब क्या कर सकते हैं। वो तो चली गई, मुझे अकेला क्या करे। लेकिन सुंदरी मैं तुझे आज भी बहुत प्यार करता हूँ, चली गई तुम्हें छोड़। जो हो गया सो हो गया माँ, मैं उन बातों के लिए परेशान नहीं होता हूँ। मैं हमेशा लड़ता रहूंगा, जिंदगी में हमेशा जीत के दिखाऊंगा। माँ आपकी जो भी इच्छा थी मैं उसे पूरा करूंगा। एक अच्छा टीचर बनके बहुत सारे बच्चों को पढ़ाऊंगा। अपना आशीर्वाद बनाए रखना। मैं चलता हूँ माँ। जहां तक मैं समझता हूँ, सोच समझकर जीने में ही समझदारी है।